हंगरी फूड फटाफट में आपका स्वागत है। नमस्कार, आज बनाएंगे क्रिस्पी कॉर्न। ये कॉर्न है, शिमला मिर्च है, प्याज है कटा हुआ, धनिया पत्ता है कटा हुआ, मिर्ची है, नींबू है, बटर है, कॉर्नफ्लोर है और चाट मसाला काला नमक है। कॉर्न मकई के दाने में कॉर्नफ्लोर पाउडर डाल रहे हैं चिपकाने के लिए कि जिससे क्रिस्पी होगा। आप जितना ज़रूरत हो उतना ही चिपका डालना है कॉर्नफ्लोर पाउडर कि जिससे ये चिपक जाए। और ज़रूरत पड़े तो पानी का छींटा भी मार सकते हैं। इस तरीका से सारे दाने में कॉर्नफ्लोर पाउडर चिपक गया है। इस तरीके ये तेल मैं गरम कर रही हूँ धीमी आंच पर। पहले इसको तेल को गरम करेंगे और हल्का गरम करेंगे और उसके बाद धीमी आंच पर तलेंगे, फिर तेज आंच पर तलेंगे। अब हमारा तेल हल्का गरम हो गया, अब मैं इसमें कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ। कॉर्न को डाल के तल लेंगे। इतना तेल कॉर्न धीमी आंच पर चलाएगा। अब थोड़ा आंच हल्का तेज कर रहे हैं। अब इसको मैं निकाल ले रही हूँ। हमारे फ्राई करके कॉर्न तैयार हो चुके हैं। हम एक कढ़ाई चढ़ाएंगे, उसमें बटर डालेंगे। इतना बटर डाल देते हैं। अब मैं इसमें प्याज डाल रही हूँ। मिर्च, प्याज थोड़ा भून चुका है, अब मैं इसमें शिमला मिर्च भी डाल रही हूँ। इसको भी थोड़ा भूनेंगे दोनों को। अब ये हो गया है सॉटे, अब इसको निकाल रहे हैं। अब हम इसमें कॉर्न मिलाएंगे। इसमें थोड़ा काला नमक डालेंगे। थोड़ा चाट मसाला डालेंगे अपने स्वाद अनुसार डालें। मैं इसमें नींबू गार रही हूँ। अब मैं इसमें धनिया पत्ता डाल रही हूँ। अब मैं इसको अच्छे से मिला लेती हूँ। आपका क्रिस्पी कॉर्न तैयार हो गया।